भारतीय नौसेना की ताकत में आज और इजाफा हो गया है। भारतीय नौसेना में गुपचुप तरीके से नई स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को शामिल कर लिया गया है। INS अरिहंत देश में तैयार की गई पहली न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस साल अगस्त में ही INS अरिहंत को नौसेना में शामिल कर लिया था। अब भारत जमीन, समुद्र या हवा कहीं से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकेगा। INS अरिहंत बेहद एडवांस पनडुब्बी है। अरिहंत का वजन लगभग 6000 टन है। यह 700 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सकती है। इसे K-15 मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसमें दो तरह की मिसाइलें लगेंगी। पहली K-15 SLMB जिसकी क्षमता 750 किलोमीटर है, जबकि दूसरी K-4 जो 3500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। आपको बता दें कि भारत की यह स्वदेशी पनडुब्बी रूस की मदद से बनी है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम 1980 के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तहत शुरू किया गया था और 2009 में तत्काल PM मनमोहन सिंह ने इसे लॉन्च किया। इसके बाद से ही इसके ट्रायल चल रहे थे। आखिरकार अब INS अरिहंत पनडुब्बी नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है। इसी के साथ ही अब भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन का निर्माण किया है। देखते रहिए DB Live।